हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसेट टेक्निकल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शाओमी 11T प्रो में आप स्लो मोशन वीडियोस को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड किए गए स्लो मोशन वीडियोस को एडिट कैसे कर सकते हो, और कुछ इस फोन से लिए गए स्लो मोशन वीडियोस एज अ सैम्पल मैं आपको वीडियो के आखिर में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। वीडियोज को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है फोन के कैमरा ऐप में। राइट साइड स्वाइप करते हुए यहाँ पे हमें स्लो मोशन दिखेगा, उसे टैप करना है। अगर आपको स्लो मोशन वीडियोज में फ्लैश लाइट वगैरह यूज करनी है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। मोशन वीडियोज के अगर आपको रिजोल्यूशन या फिर फ्रेम रेट अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। रिजोल्यूशन में 720p और 1080p दोनों दिए गए हैं, और अगर फ्रेम रेट की बात करूँ तो 120fps, 240fps और 960fps सुपर स्लो मोशन भी इसमें दिया गया है। अगर आप 120fps या 240fps पे कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो वीडियो का कोई भी लिमिटेशन नहीं रहेगा कि 10 सेकंड या 12 सेकंड या 15 सेकंड, आप जितना चाहो उतना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और वीडियो में जो बैकग्राउंड वॉइस होगा वो भी आप रिकॉर्ड कर पाओगे। और अगर वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अगर आप उसको एडिट करते हो तो एडिट में भी आप एडजस्ट कर पाओगे कि कौन सा पार्ट आपको स्लो रखना है और कौन सा पार्ट आपको नॉर्मल रखना है। बट अगर आप 960fps पे वीडियो रिकॉर्ड करते हो यानी कि सुपर स्लो मोशन में, तो इसमें आपको तीन लिमिटेशन मिलेगी। सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि इसका वीडियो का प्लेबैक टाइम रहेगा 10 से 12 सेकंड का। सेकंड लिमिटेशन ये रहेगी कि ये बैकग्राउंड वॉइस रिकॉर्ड नहीं करेगा। हाँ, अगर आप एडिट में जाके अगर कोई म्यूजिक एड करना चाहते हो तो आप फोन की ऐप से ही एडिट कर पाओगे। और तीसरा जो है वो इसमें 960fps में जो लास्ट वाला वीडियो का पोर्शन होगा वही स्लो मो में रिकॉर्ड होगा, फर्स्ट वाला जो पोर्शन होगा वो नॉर्मल वीडियो में रिकॉर्ड होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ 960fps में आप क्या एडिट कर सकते हो और 120fps और 240fps में क्या एडिट कर सकते हो। मोशन वीडियोस को एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है गैलरी में। यहाँ पे हमने इस फोन से स्लो मोशन में और सुपर स्लो मोशन में यानी कि 120fps और 240fps और 960fps, 120fps और 240fps यानी स्लो मोशन वीडियो और 960fps यानी सुपर स्लो मोशन, इस तीनों fps पे, तीनों फ्रेम रेट पे हमने एक एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। ये हमारा 120fps वाला रिकॉर्डिंग वाला वीडियो है। अगर मैं यहाँ पे एडिटर में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलते हैं, मैं इसकी प्लेबैक स्पीड को एडजस्ट कर सकता हूँ, इसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकता हूँ, फिल्टर ऐड कर सकता हूँ, कैप्शन ऐड कर सकता हूँ, साउंड ट्रैक ऐड करना है तो कर सकता हूँ, एक्सपेक्ट रेशियो चेंज करना है तो वो भी कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसकी लेंथ में, अगर मान लो मेरा पूरा वीडियो स्लो है पर मुझे वीडियो का कुछ पार्ट ही स्लो रखना है, बाकी का नॉर्मल प्ले में होना चाहिए, तो वो भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। सेम यही पूरा एडिटिंग आपको 240fps में भी मिलेगा। बट अगर आप 960fps यानी सुपर स्लो मोशन में जाते हो तो आप इसकी लेंथ को एडजस्ट नहीं कर सकते हो, यानी कि इस फोन, इस वीडियो में आपको पहला पार्ट नॉर्मल ही मिलेगा, लास्ट वाला पार्ट ही स्लो होगा। बट अगर आप एडिटर में जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि प्लेबैक स्पीड हो गया, लेंथ एडजस्टमेंट हो गया, फिल्टर हो गया, कैप्शन हो गया, साउंड ट्रैक हो गया, ये सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, इस फोन से लिए गए जो भी वीडियोस है वो मैं आपको वीडियो के एंड में एज ए सैंपल दे दूंगा।